कितना दिन से आप घूम रही हो? एक महीना से। क्या कह रहा है लोग यहाँ के? लोग क्या कह रहे हैं? लोग बहुत अच्छे बोल रहे हैं, बहुत विकास की थी पहले और अभी करेगी, जीत जाएगी, इस बार मौका मिलेगा तो बहुत कुछ दिखाएगी। जो प्रियम बदल देगी नगर निगम को, एकदम बदलेगी, बहुत अच्छे से बदलेगी और आदर्श नगर निगम बनाएगी कि कई शहरों में इसका भी नाम आएगा कि हाँ आरा शहर जैसा मेरा भी शहर अच्छा लगा है। थक नहीं रही है? चाह रही है कि जीत जाए? चाहेगी तो क्या कर लेगी? जीतेगा तो गली नाली बनाएगा, गरीब की मदद करेगा, ना तो और क्या करेगा? विश्वास है? आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी बाजार समिति एरिया है और आप देख सकते हैं हर जगह जा जाके, जगह जगह जा जाके, गली मोहल्ले टोले मोहल्ले में जा जाके प्रियम देवी तमाम लोगों से मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इनके साथ लगातार सैकड़ों महिलाएं हैं जो कि इनके साथ घूम रही है और तमाम जितने भी वार्ड है तमाम वार्ड में घूम रही है। इन लोगों से आज हम जानेंगे ये लोग क्या कहेंगी और इनके साथ घूम रही है तो इन लोगों को कैसा लग रहा है। चाची आप घूम रही हैं ना? हाँ, घूम रही प्रियम देवी के साथ। हाँ, कैसी महिला है? महिला ठीक बा। ठीक है? हाँ, हमने कैसा बना दे। कितना दिन से घूम रही हैं? कई दिन से हो? बहुत दिन हो गया। हाँ, लोग क्या कह रहा है इनके बारे में? इनके बारे में सब लोग अच्छा कह रहे हैं। अच्छा कह रहा है? हाँ। अच्छा, आप क्या बताएंगे कितने दिन से आप घूम रही हो? एक महीना से। क्या कह रहा है लोग यहाँ के? लोग क्या कह रहे हैं? लोग बहुत अच्छे बोल रहे हैं, बहुत विकास की थी पहले और अभी करेगी, जीत जाएगी, इस बार मौका मिलेगा तो बहुत कुछ दिखा देगी। आप उनके साथ घूम रही है तो खुशी है? हम लोग बहुत खुश है, हम लोग चाह रहे हैं कि जीत जाएगी तो हम लोग का बहुत अच्छा। तमाम लोगों में खुशी की लहर है और सब लोग को ऐसा लग रहा है यदि प्रियम चुनाव जीतती है तो ये हमारी जीत होगी, ऐसा ही लोग। आप भी इनके साथ घूम रही हैं? जी। कैसा लग रहा है इनके साथ? अच्छा लगा है। थक नहीं रही है? हाँ। चाह रही है कि जीत जाए? हाँ, चाहेगी तो ये क्या कर लेगी? जीतेगा तो गली नाली बनाएगा, गरीब की मदद करेगा, ना तो और क्या करेगा? विश्वास है? विश्वास तो बढ़ ले बाबा के कर तब ना। आप बताइए, आप भी घूम रही है? बहुत अच्छी है। ऐसी महिला है प्रियम? बहुत अच्छी है, हम लोग को बहुत मदद करती है, हर हर से। हाँ, बहुत हर आगे पहुँचाने के मतलब ये कर रही। अच्छा, आप लोग घूम रहे हैं इनके साथ तो हर वार्ड में आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ की महिलाएं चाहे और भी लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में? बहुत अच्छी कर रही हैं, अच्छी महिला है, आगे विकास किए हैं और करेंगी, आगे भी करेंगी, हमें पूरा विश्वास है। बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगी? आप भी घूम रही हैं ना मैडम के साथ? घूम रही हैं। क्या लोग कह रहा है? अच्छा कह रहा है। कह रहा है लोग कि जीतेंगे चुनाव? जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये देखिए आप बताइए, आप भी घूम रही हैं इनके साथ, लोग क्या कह रहा है? चुनाव जीतेंगे? हाँ, बोल रहे हैं कि जीतेंगे। मछली छाप जीतेगी, जीतेगी तो जीतेगी सब। देखिए तो ये है प्रियम देवी ने जो भी मेहनत किया है वो धीरे धीरे रंग ला रहा है और इनके साथ घूमने वाले लोगों में भी उस तरह का मोटिवेशन देखने को मिल रहा है। ये तमाम लोग काफ़ी मोटिवेटेड है और कोई थक नहीं रहा, सबके चेहरे पे खुशी है और चेहरा चमक रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, इनके साथ घूमते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि ये जीत जाए, चूँकि चुनाव जीतेंगी तो निश्चित तौर से आरा नगर निगम का विकास होगा। और जिस तरह की आरा नगर निगम की दयनीय स्थिति है, नली गली आप देख रहे हैं, यहाँ भी जिस तरह का जो स्थिति भयावह बनी हुई है, ये तमाम चीज़ों पे यहाँ के लोगों की उम्मीद है कि नारकीय जीवन जी रहे हैं। हाँ, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। रहने वाले हैं जी, इसी गली का हम रहने वाले हैं। अच्छा, ये कितना वार्ड है? वार्ड नंबर 42 है। 42 है। तो क्या लगता है इधर प्रियम देवी का कैसा स्थिति है? हमारे यहाँ तो ठीक है, जो कि हम लोग अभी जब से सुनील भैया थे उसी समय से हम लोग काफ़ी यहाँ लगाव था इनका, जब उसी समय बना था इन्हीं कार्यकाल में, लेकिन अभी तो बहुत स्थिति दयनीय है। बहुत स्थिति अभी दयनीय जी, बिल्कुल। देखिए सब लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है इनसे कि नहीं ये आएंगी तो विकास होगा, चूंकि सुनील यादव जब मेयर थे तो उस समय का ये नली बनाया हुआ है, लेकिन अभी की जो जर्जर स्थिति बनी हुई है तो कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। आइए प्रियम जी से हम बात करेंगे, लगातार आप घूम रही हैं, सुबह से ही घूम रही हैं, क्या कहेंगे? थकती नहीं है आप? आरा नगर निगम की जनता को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ और उनसे आशा करती हूँ कि वो मुझे वोट करें और मुझे बोलते बोलते गला भी बज गया है। बिल्कुल। क्या क्या आशीर्वाद मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? थक नहीं रही, इसके पीछे कारण क्या है? मैं लोगों का आशीर्वाद तो जरूर मिलता है, एकदम एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे साथ घूम रहा है, नहीं तो मेरे में इतना दम नहीं था कि हम जा सके। अपने घर से ना 10 कदम भी हम पैदल नहीं जाते थे, मतलब बहुत इमरजेंसी होता था जाते थे। जब इतने बूढ़ी, जब ये इतना वृद्ध हो के भी घूम सकती है दादी, तो आप क्यों नहीं घूम सकती? तो यही महसूस हो रहा है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ साथ घूम रहा है, तो मैं उससे
एकदम क्या लोग कह रहा है, आप घूम रही तो लोग क्या कह रहा है? समस्या तो बहुत सारी समस्या जुड़वाता होगा लोग। हाँ तो सबसे तो एकदम पहला और बहुत इम्पोर्टेंट समस्या है यही गली नली और जल जमाव स्थिति। अभी जैसे बाबू ने बताया यहाँ कि हम लोग एकदम नारकी जिंदगी जी रहे हैं, सफाई भी ढंग से नहीं है और टूटा फूटा से थोड़ा सा है। इसको ज़रूरत थी जैसे कि कुछ भी अगर कोई मेयर हम ही थे काम करवाएं, अगला कोई भी है तो उसको थोड़ा अच्छे से रखे और थोड़ा उस पर ध्यान रखे। अब उसको ऐसी स्थिति छोड़ दिया जाए तो अफकोर्स की नारकी जिंदगी जी रहा है लोग। मतलब लोगों को विश्वास है कि प्रियम आएंगी तो हमारा ये नगर निगम फिर से सुंदर और स्वच्छ बन जाएगा, ऐसा विश्वास झलक रहा है लोगों में? हाँ लोगों में विश्वास झलक रहा है। कहीं कहीं बताया लोग कि आरा शहर में अगर बहुत जो भी काम किया आप ही का है, जिस गली से गुजरिए जिस रोड से गुजरिए तो हाँ या तो सुनील कुमार का बोर्ड लगा हुआ या प्रियम देवी का बोर्ड लगा हुआ, तो जो भी कार्य किया आप ही लोग का किया हुआ तो हम लोग चाहेंगे कि आप आएँ। अब जनता की क्या राय रहती है, हम तो एकदम जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि एक बार एकदम विश्वास मतलब होता है कि लोग जनप्रतिनिधि में नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप मेरे पे एकदम कर लीजिए, कल को आपको बहुत खुशी होगी कि हमने जो प्रियम बदल देगी नगर निगम को, एकदम बदलेगी, बहुत अच्छे से बदलेगी और आदर्श नगर निगम बनाएगी कि कई शहरों में इसका भी नाम आएगा कि हाँ आरा शहर जैसा मेरा भी शहर हो। तो ये है प्रियम देवी और आप देख रहे हैं एक दृढ़ विश्वास इनके अंदर है, दृढ़ संकल्पित हो चुकी है कि नहीं आरा नगर निगम को मुझे बदल देना है और ऐसा नगर निगम बनाना है कि लोग इसका उदाहरण दे बड़े बड़े महानगरों में भी कि आरा भी एक महानगर, आरा भी एक शहर है, आरा भी एक नगर निगम है, कितना सुंदर और स्वच्छ है, ऐसा उदाहरण देने योग्य ये बनाना चाहती हैं और काफ़ी उम्मीद है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लगातार ये हर वार्ड में घूम रही है, लोगों से जनसंपर्क कर रही है और एक पॉजिटिव एनर्जी इनके साथ है, चूँकि तमाम वृद्ध महिलाएं जो भी माताएं हैं या जो भी दादी हैं इनके साथ घूम रही हैं तो इनको भी एक बल मिल रहा है और इनको ये लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि थकना नहीं है, तमाम लोगों तक पहुँचना है और उनकी समस्याओं को समझना है कि समस्या है क्या। घूमने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, वोट तो खैर मांगना ही है, लोगों का आशीर्वाद भी जरूरी है, लेकिन लोगों की समस्याओं से भी रूबरू यदि कोई प्रत्याशी होते हैं तो ये अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है कि चलिए प्रत्याशी चल के हमारे पास आए हैं तो हमारी समस्याओं को समझेंगे। तो इस तरह लगातार प्रियम देवी घूम रही है, हर वार्ड में जा रही है, घर घर जा रही है, डोर टू डोर जाके लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही है और ये तमाम महिलाएँ काफ़ी इनके साथ। आपका नाम क्या हुआ? मैडम सुदर्शन हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? अनाइट का। अनाइट के आप भी घूम रहे हैं मैडम के साथ? नहीं हम तो अपने आ रहे हैं अभी कचहरी से आ रहे हैं। अच्छा कचहरी से आए हैं, चर्चा किसका है इधर नगर निगम में चुनाव को लेकर? अभी हमको मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं है? आप इनके साथ घूम? हाँ हाँ साथ घूम। क्या कहेंगे, कैसी चर्चा चल रही है? अच्छा चर्चा चल रहा है। हाँ। आप तो 4500 वार्ड इनके साथ घूमे? हाँ हाँ। क्या लोग कह रहे हैं? अच्छा कह रहे हैं। कभी आप पीछे में रुक के पूछे क्या कह रहा है? एक नंबर वार्ड में जाके पूछे हैं। हाँ। लोग अच्छा कह रहा है, उनके ही वोट देगा। हाँ एक नंबर बतरा वार्ड। और किसी किसी वार्ड में गए हैं? हाँ वार्ड नंबर 42 में गए हैं। सब अच्छा कह रहा है। हाँ कह रहा है, कह रहा है। हाँ हाँ कह रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं लगातार लोग इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, इन लोगों से भी हम इसलिए पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इन लोगों के मन में कोई खटास हो तो निकाल दे, लेकिन सब लोग पॉजिटिव में है और सब लोगों को ऐसा दृढ़ विश्वास है कि नहीं प्रियम देवी जीतेंगी, चूँकि फीडबैक मिलता है निश्चित तौर से, किसी न किसी को तो फीडबैक मिल ही रहा है और उस फीडबैक के बदौलत इनको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है।